एनएन न्यूज़ उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तयशुदा कार्यक्रम के तहत काशीपुर के होटल अरण्या में महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उपस्थित समूहों को अपने संबोधन में उत्तराखंड को चौथी गारंटी से नवाजा। इस दौरान उनके साथ शामिल आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहसिनिया और आपकी ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे अजय कोठियाल ने महिला संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जनता ने ये मन बनाया हुआ है कि परिवर्तन लाना है और उत्तराखंड में आपकी सरकार कायम करनी है। वहीं प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शामिल महिलाओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड का कार्यकलाप बिना महिलाओं के सहयोग से असंभव है। काफी पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, नेताओं की जेब में, ठेकेदारों की जेब में, अफसरों की जेब में चला जाता है। अगर हम ये माने कि 20% भी पैसा भ्रष्टाचार में जाता है तो 11,000 करोड़ रुपया नेताओं की, अफसरों की, ठेकेदारों की जेब में जाता है। अब ये 11,000 करोड़ रुपया जब ईमानदार सरकार आएगी, ये 11,000 करोड़ रुपया नेताओं की, अफसरों की और ठेकेदारों की जेब की बजाय महिलाओं की जेब में जाना चालू होगा। हमें उम्मीद है कि इस, हमारा एस्टिमेट है कि इससे 3,000 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। तो अगर 11,000 करोड़ रुपये हम बचाएंगे तो 3,000 करोड़ रुपए बड़े आराम से इसमें से निकाले जा सकते हैं। इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। किसी भी महिला की जेब में 1,000 रुपये आएंगे तो वो मार्केट जाके कुछ ना कुछ तो खरीदेगी। अभी जब नेताओं की जेब में ये पैसा जाता था तो वो स्विस बैंक में जाता था, उससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था खराब ही होती थी। अब ये जब महिलाओं की जेब में 1,000 रुपये आएंगे, वो मार्केट जाएगी, कुछ खरीदेगी, और जब खरीदेगी तो दुकानदारों की सेल होगी, उससे और माल मैन्युफैक्चर होगा। तो इससे पूरी जो चेन बनेगी अर्थव्यवस्था के अंदर, इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, लोगों को और रोजगार मिलेगा। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।